हमीरपुर में आज सुबह 9 बजे अफरा तफरी मच गई जब लोगों को पता चला कि भूकंप आया है। भूकंप का केंद्र हिमाचल का सुंदरनगर बताया गया और 8 रिएक्टर की तीव्रता होने पर तुरंत प्रशासन ने भी बचाव कार्य शुरू कर दिया। देखते ही देखते हमीरपुर शहर में हुटरों और गाड़ियों से बचाव दल रवाना हुए। हमीरपुर में 30 लोगों को सुरक्षित बचाया गया जबकि 5 लोग बुरी तरह से घायल होने से बच नहीं सके। हमीरपुर में किसी भी आपदा से बचाव के लिए हमीरपुर में मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया जिसमें 5 प्रमुख केंद्रों बस अड्डा डीसी कार्यालय गांधी चौक बाल स्कूल मोटर चौक में मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन कर राहत और बचाव कार्य को अमली जामा पहनाया गया। इस दौरान पुलिस होमगार्ड नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवक के अलावा जिला प्रशासन के सभी विभागों के कर्मचारी भी मौके पर मौजूद दिखे। इसी दौरान बाल स्कूल परिसर में रिलीफ कैंप भी लगाया गया जहां पर सभी चीजों की मॉनिटरिंग करने के अलावा घायलों का उपचार भी किया गया। रेस्क्यू टीम के सदस्यों ने बताया कि मेगा मॉक ड्रिल में अच्छी तरह से काम हुआ और बचाव दल ने बढ़िया तरीके से लोगों को बचाया है। उन्होंने बताया कि मॉक ड्रिल में रेस्क्यू वैन होनी चाहिए थी क्योंकि ट्रक में मौके पर पहुंचने के लिए देरी की संभावना होती है। आपने कहां आपने मॉक ड्रिल की कहां गए थे आप? जी, हम गए थे बॉय स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉय है, वहां पे गए थे। वहां पे अपर बिल्डिंग में जो है कोलैप्स हो गया था, वहां गए थे और वहां पे हमने 6 लोगों को जो है रेस्क्यू करके बाहर निकाला है और उनको कैजुअलिटी जो है वो हॉस्पिटलाइज करी है हमने। तो बाकी सब कुछ ठीक है हमारे जवान से, और उन्होंने बहुत सहयोग किया हमारा और पब्लिक का भी बहुत सहयोग रहा वहाँ। रेस्क्यू एंड सर्च टीम के द्वारा 5 कैजुअलिटी उतारी गई जिसमें फर्स्ट कैजुअलिटी कौन सी भी फायरमैन लिफ्ट जो कि धुआं मतलब वहाँ आग लगी थी और उस भी हमने फायरमैन लिफ्ट से कैजुअलिटी को नीचे उतारा है। एक कैजुअलिटी को हेड इंजरी हुई है और उसको पी के बैक विधि से नीचे उतार करके सीधा एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भेजा गया। तीसरी कैजुअलिटी हमारी जो है जिसका पेट फटा हुआ था उसको हमने चेयर नॉट विधि से उतार करके कैजुअलिटी को हमने हॉस्पिटल फर्दर दूसरे इलाज के लिए भेज दिया है। सर मैं कितने टाइम रेस्क्यू चला और कितने जवानों ने भाग लिया इसमें? ये रेस्क्यू हमारा जो है कम से कम 15 मिनट ये रेस्क्यू कार्य हुआ है और जिसमें 9 कैजुअलिटी हुई है। 6 कैजुअलिटी और 9 हमारे टीम में मेंबर थे। सस्पेंशन मेथड के द्वारा स्ट्रेचर लेशिंग करके उसको नीचे उतारा गया और उसे एम्बुलेंस में डाल करके हॉस्पिटल भेज दिया गया है। और लास्ट जो हमारी कैजुअलिटी थी वो फोर एंड आफ्ट मेथड के द्वारा उसको उतारा गया है और उसको हमने सीधा कैजुअलिटी स्ट्रेचर में लैशिंग करके हॉस्पिटल जो है फर्दर ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया है। और एक उसमें बच्चा भी था और जिसको हमने चिल्ड्रन मेथड विधि से उतार करके और उसको एम्बुलेंस के माध्यम से सीधा हॉस्पिटल फर्दर ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया है। रक्षा विभाग द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 5 टीमें हमने बनाई थी और इन 5 टीमों ने जो 5 जगह में जो हमारे को असाइनमेंट किए गए थे डीसी ऑफिस के द्वारा 500 जगह में कैजुअलिटी को हमने बहुत ही अच्छे और सही तरीके से उतार करके और कैजुअलिटी की जान को बचा करके हमने उनको हॉस्पिटल भेजा है। इसी प्रकार से निकट भविष्य में भी कभी भी इस प्रकार की कोई घटना घटती है, भूकंप आता है, तो हमारी टीम जो है इस कार्य के लिए सक्षम है। परंतु मेरी जो है गुजारिश ये है कि हमारे पास जो है इस टाइम रेस्क्यू टीम के लिए कोई बैन नहीं है ताकि जो है जैसे रेस्क्यू कहाँ होता है तो उसी समय हमारे को कॉल हो करके सीधा जो है हम उसी पॉइंट पर जो है रेस्क्यू को टीम को ले जा करके हमारा जो है रेस्क्यू का कार्य हम जो है कर सकते हैं। व्हीकल की प्रॉब्लम आ रही है ताकि यहाँ के लिए एक रेस्क्यू की एक गाड़ी हमारे को जो है इस विभाग को गृह रक्षा 10वीं वाहिनी हमीरपुर के लिए जो है लाना जो है बहुत जरूरी है, तभी जो है ये रेस्क्यू का कार्य टाइमली और समय अनुसार जो है इसको किया जा सकता है। किया तो क्या लगा, मतलब कैसा इफेक्टिव रहेगा इन फ्यूचर में अगर कहीं अर्थक्वेक आता है या कुछ? बहुत अच्छा रहा, तालमेल ठीक था सबका, लेकिन इसमें थोड़ा गाड़ी का ये था कि जैसे अभी हमें ट्रक में ले जाया गया तो ट्रक इतना तेज तो भाग नहीं सकता है, तो अगर इसके लिए थोड़ा रेस्क्यू वैन हो
हमारी टीम के लिए रेस्क्यू मैन हो, तो इससे भी हम और कम समय में जो है ज्यादा टीम को बचाया जा सकता है। थोड़ा ये रहा इसमें कि इसमें ज्यादा लग गया क्योंकि ट्रक अपने हिसाब से चलता है स्पीड से और एम्बुलेंस इस तरह से ज्यादा तेज भागती है, तो हमारी टीम जो है उस तरह से नहीं पहुंच पाई, जब एम्बुलेंस पहले पहुंच गई टीम थोड़ा बाहर पहुंच। आपको लगता है जो आज की रिहर्सल की मतलब इससे काफी हो गई, सक्सेसफुल हो गई? ऐसी रिहर्सल मैंने पहले नहीं देखी कि इतना तालमेल जो है सभी विभागों का जितना आज तालमेल है। अगर इतना भी तालमेल हो जाएगा तो ये श्योर है कि अगर ऐसा कोई भी हादसा भूकंप या कोई ऐसी आपदा आ जाती है तो हम इसमें जो है बहुत जल्दी जो है बहुत सी कैजुअल्टी को बचा कर जान माल की रक्षा कर सकते हैं। वहीं जिला उपायुक्त राकेश प्रजापति ने बताया कि मेगा मॉक ड्रिल में सभी विभागों ने बढ़िया काम किया है और शहर के 5 जगहों पर आपदा से बचाव के लिए स्थान चिन्हित किए गए थे जिसके लिए काम किया गया है। उन्होंने बताया कि कमियों को भी नोट किया गया है और अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी। आज पूरे स्टेट में एक मेगा मॉक ड्रिल की जा रही है और जो सिचुएशन हमें दी गई थी वो ये है कि सुंदरनगर एपिसेंटर रखते हुए 8 के रिक्टर स्केल पे अर्थक्वेक पूरे हिमाचल को अगर हिट करती है तो उस स्थिति में जो हमारी आपदा प्रबंधन है वो कैसी होगी, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम लोगों ने ये मेगा मॉक ड्रिल किया है यहाँ पे। और इसके लिए जो सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है वो है IRS इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम। उस रिस्पॉन्स सिस्टम में जो जो भी मुख्य बिंदु थे उन मुख्य बिंदुओं को मद्देनजर ये सारा अरेंजमेंट आज किया गया था और इसमें हमने एक स्टेजिंग एरिया सेटअप किया था और साथ ही साथ एक रिलीफ कैंप सेटअप किया था। इसमें जो भी आपदा प्रबंधन से रिलेटेड पहलू हो सकते हैं किसी भी पहलू को इग्नोर नहीं किया गया, हर पहलू के हिसाब से हमने यहाँ पे प्रबंधन किया है और यही प्रबंधन को अब हम स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तौर पर SOP के तौर पर निर्धारित करेंगे। इसके साथ साथ ही जो ये मॉक ड्रिल हुई है इसमें हमारे शहर के 5 जो मुख्य जगह हैं उनको हमने कोशिश की है कि उनको आपदा प्रबंधन के दायरे में लाया जा सके, जैसे हमारा DC ऑफिस है, बस स्टैंड है, इसके अलावा आयुर्वेदा का हॉस्पिटल है, हमारा स्कूल है और हमारा गांधी चौक है। तो हमारी अब कोशिश ये रहेगी कि जो ये आपदा प्रबंधन है लोगों के दिनचर्या में जाए, लोगों को पता हो, लोग इसे सूचित हों, ये हमारी कोशिश थी और मुझे लगता है कि आपके माध्यम से भी जन जन को हम जागरूक कर पाएंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले वक्त में अगर ऐसी कोई आपदा होती है तो उसके लिए हम मुस्तैद रहें। वैसे तो जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी उसके हिसाब से तो हमारा थ्रूपुट था, जैसे हमारे SDM साहब ने भी बताया, वो बहुत ही बढ़िया था, जो हमारा रिस्पॉन्स था बहुत बढ़िया था। इसके अलावा जैसे बॉटलनेक्स हो सकता है कि यहाँ की सिचुएशन के हिसाब से भी हो सकती है, हमारे रिसोर्सेज के हिसाब से भी हो सकती है, तो अभी हम स्टेट के साथ हमारी डीब्रीफिंग होनी है, उसमें हमसे ये पूछा जाएगा हमें रिसोर्सेज और क्या क्या रिक्वायर्ड होंगी और क्या क्या हमारे पास कमियां थी उसको हम कैसे पूरा करेंगे, तो उस पर अभी जो चर्चा है अभी सारे ऑफिसर्स के साथ, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स के साथ बैठ के 12:30 बजे हमीर भवन में की जाएगी।